सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कुर्ती के फ्रंट में पैच लगाकर बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे ये मैंने फ्रंट कटिंग किया हुआ है जिसमें हम बहुत ही सुंदर फ्रंट का डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन बनाएंगे पैच लगाकर। दोस्तों ज्यादातर वीडियो में क्या होता है कि गले के डिजाइन होते हैं या पाइपिंग वाले डिजाइन, इस तरीके के डिजाइन ज्यादातर आपको, मैंने भी ज्यादातर इसी तरीके के आपको डिजाइन तैयार करके दिखाए हैं, लेकिन मैं कई बार पैच वर्क भी करके आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आज मैं आपको पैच का डिजाइन बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम पैच तैयार करते हैं प्रिंटेड कपड़े का। तो यहाँ पे प्लेन सेल्फ में हमारा ये फ्रंट है और प्रिंटेड जो कपड़ा है हमारा, इसका हम फ्रंट का जो डिजाइन बनाएंगे, पैच का डिजाइन बनाएंगे, जो पैच बोलते हैं जिसको कि पैच वर्क करना है हमें, और करना है सिलाई से, कढ़ाई से पैच वर्क नहीं करना है, सिलाई से हम पैच वर्क तैयार करेंगे बहुत ही सुंदर डिजाइन वाला। सबसे पहले डिजाइन तैयार करने के लिए हम फ्रंट को इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। इस प्रकार हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे गले का लेंथ, गले का ब्रॉड और डीप वाला निशान लगाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे 9 इंच ब्रॉड रखना है तो हम इस प्रकार 9 इंच पे सेंटर का ध्यान रखते हुए 9 इंच पे निशान लगाएंगे, और डीप रखना है हमें यहाँ पे 3.5 से 4 इंच, तो हम यहाँ पे 3.5 से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे हम इस प्रकार की बोट सेव वाली सेव डाल देते हैं इस तरीके से। गला हम ये बुकरम का ही बनाएंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक निशान लगा के, क्योंकि हमें यहाँ नीचे का जो डिजाइन कटिंग करना है वो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग होगा। यहाँ पे दोस्तों हमें एक सेंटर का निशान लगाना है इस प्रकार से, ये हमारा सेंटर वाला निशान हो गया है, और यहाँ पे हम इन दोनों का सेंटर करते हुए, जैसे ये गोलाई वाला हिस्सा है हमारा, इन दोनों का सेंटर करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 3 इंच आता है तो यहाँ पे 3 इंच से हम इस प्रकार से निशान लगाएंगे इस तरीके का गोलाई वाला, और इस निशान को हम ऐसे लेके आएंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से जो हमारा सेंटर पॉइंट है इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जाएगा हमारा ये जो निशान जाएगा इस प्रकार से लगाएंगे। इसकी शेप आप थोड़ी चेंज भी कर सकते हो, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे शेप डाल सकते हो। अब हमने जो ये पीस है ये वाला, ये लगाना है प्रिंटेड कपड़े का जिसको हम पैच वर्क बोलते हैं। यहाँ पे हम पेपर फ्यूज से इस पीस की कटिंग करेंगे सबसे पहले, तो पेपर फ्यूज को हम इस प्रकार रख लेते हैं। जो हमारा पेस्ट वाला, जो ये पेपर पेस्टिंग होती है, एक साइड से रफ होती है, एक साइड से फ्यूल लगा होता है, जो फ्यूल वाला हिस्सा है ये हमने ऊपर की साइड रखना है। यहाँ पे हम इस प्रकार से इन्हीं निशानों के ऊपर, पेपर पेस्टिंग थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है तो यहाँ पे हमें निशान नजर आ जाएंगे, इसी तरीके से हम ये निशानों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम बाहर की साइड की कटिंग कर लेंगे, जो हमारी कमीज की जो कुर्ती का फ्रंट है उसके साथ साथ अब हम इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। हमने यहाँ पे ये अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है, जो कि हमारा
इस प्रकार से ये पीस आएगा इस तरीके से। इसको हम प्रिंटेड कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में हम यहाँ पे नॉर्मल जो सिंपल गला होता है उसकी कटिंग करेंगे, वो करेंगे बुकरम की। इस प्रकार हम रखेंगे पीस को और अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे। दोस्तों पेस्टिंग करने के बाद हमने पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में ये कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हमारा पैच जब हम रखेंगे सीधी साइड से इस प्रकार से आएगा यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे हमने इसको तैयार करने के लिए ये पट्टी पलटी हुई है इस तरीके से आधा इंच चौड़ाई वाली, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस प्रकार लगाएंगे, ये पट्टी आएगी हमारी इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे की साइड हम पोटली बटन लगाएंगे इस प्रकार। ये मैंने 5 से 6 पोटली बटन बनाए हुए हैं, 6-7 जितने भी हैं इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये पोटली बटन आएंगे। इस प्रकार का हमारा ये डिजाइन तैयार होगा। तो सबसे पहले हम पैच को अटैच कर लेते हैं। दोस्तों स्टिचिंग में सबसे पहले हम पैच को अटैच करते हैं इस प्रकार से। यहाँ पे बिल्कुल हमने सीधा पैच रखा है इस तरीके से, एक साइड से इसको अटैच करना शुरू करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे अपना एक साइड का ये पैच अपना अटैच कर लिया है। अब हम 1-1 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमने 6 निशान लगाए हैं यहाँ पे। इन 6 निशानों पे हम पोटली बटन अटैच करते हैं इस प्रकार से। अटैच करने के बाद यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेते हैं। मार्जिन हमें यहाँ पे इतना रखना है जितनी चौड़ाई वाली हमें ऊपर से पट्टी लगानी है। ये हम पट्टी यहाँ पे इस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले हम एक साइड से इस तरीके से इसको इसी नोक से शुरू करेंगे। Thank you.
दूसरी साइड भी इसमें सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे हम नोक बनाएंगे, जो हमारी नोक वाला पॉइंट होगा इस पे हम अच्छे से नोक बनाएंगे। यहाँ पे फिर हमारी नोक आ जाएगी, तो यहाँ पे भी हम अच्छे से नोक बनाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम धागे काटेंगे और इस प्रकार हमारा ये पैच कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अब सिर्फ रह जाता है हमारा नॉर्मल गला, जो ऊपर का हमने बोट शेप गला बनाना है। पैच तैयार करने के बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये बुकरम ली है, इसमें से जितना हमने चौड़ाई वाला गला चाहिए होता है, जैसे 9 इंच चाहिए तो हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और डीप चाहिए हमें 3.5 इंच तो यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार हम बोट शेप डाल देते हैं, क्योंकि हमें बोट गला यहाँ पे तैयार करना है। इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए फिर से कटिंग करेंगे। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पे ये बोट शेप गला अपना कटिंग कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कपड़े के ऊपर अटैच करेंगे सबसे पहले, जो हमारा सेम कमीज वाला कपड़ा होता है। ये हमने कपड़ा लिया है, इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे, और जितनी हमने ब्रॉड लेंथ कटिंग की थी उतना हम निशान लगाएंगे, जैसे 9 इंच। और यहाँ पे एक पैर की सिलाई से इसको अटैच करेंगे। आधा से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार से कट कर लेंगे, और इस मार्जिन को हम बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे। करने के बाद ऊपर का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है उसको इस प्रकार से कट कर लेते हैं,
और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बनाते हैं इस तरीके से। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद हम कमीज का फ्रंट लेंगे और वहाँ पे भी सेंटर का ध्यान रखते हुए इस तरीके से गला रखेंगे ऊपर की साइड। और यहाँ पे हम एक साइड से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार के कट लगाएंगे जहां पे गोलाई वाला पूरे गले में ही लगा लेंगे क्योंकि पूरे गले की ही गोलाई है हमारी। और बुकरम वाले पीस को हम अंदर की साइड इस प्रकार फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे। आप यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लगा सकते हो, आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। दोस्तों हमने यहाँ पे ये गला भी अपना तैयार कर लिया है और हमारा कुर्ती का बहुत ही सुंदर पैच वर्क वाला डिजाइन कंप्लीट हुआ है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।